वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग ग्रेड 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 12 एंड पार्ट 4. इन दिस द टॉपिक इज 12 टॉपिक इज थ्योरम 12.4 विच इज़ ऑन पेज 259 एंड 60 इन द टेक्स्ट बुक एंड आई एम योर टीचर ताबिंदा महफूज. स्टार्ट करते हैं थ्योरम 12.4 which is on page 259, and in this starting from the statement is any point on the bisector of an angle is equidistant from the arms. अब इसमें देखें बेटा, आपको bisector of an angle given है. मैंने आपको start में, अगर आपने note किया हो, introduction देखा हो, तो आपको पता होगा कि बेटा उसमें मैंने आपको लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर, जो कि यूनिट का नेम भी था, उसको मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया था, अच्छे तरीके से डिफाइन किया था, और उसमें डेफिनेशन के साथ थ्रू फिगर भी आपको एक्सप्लेन किया था. अब वो बात आपके जहन में अगर है, या आप दोबारा उस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ से आप दोबारा भी उसको देख लें. तो इसमें अब आपको बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल गिवन है, any point on the bisector of an angle. तो angle का अगर bisector है, angle का equal parts में आपने उसको two parts में divide किया है, उस bisection जो line है, अगर उस पर कोई point होगा तो वो equidistant होगा from the arms. क्योंकि देखे ना, angle में तो बेटा फिर arms होते हैं, end points नहीं होते, हम उसको arms बोलते हैं. two rays जो होते हैं, they are two arms of the angle. तो अब ये आपको गिवन है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स. तो अब इसमें आप देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट को अब आप फिगर में चेक करें कि फिगर में ये सारी कंडीशन आपके पास गिवन है कि नहीं. तो देखें, एंगल आपके पास है ये आर्म्स को और वर्टिक्स को, और फिर सेकेंड आर्म को लें. तो देखें, ए ओ बी, दिस इज़ एन एंगल, ए ओ बी आपको गिवन है, एंगल ए ओ बी. और इसमें आपको बाइसेक्टर भी मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने गिवन है बाइसेक्टर भी आपने इसमें लेना है, यानी इक्वल पार्ट्स में. देखें यहाँ पे डिवीजन इक्वल पार्ट्स में एंगल की हो गई है बाय दिस कंडीशन, ठीक है. दैट इज़ ओ एम, सो ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए ओ बी. एंड देन वी टेक एनी पॉइंट, कहीं पर भी आप इस बाइसेक्टर में पॉइंट मार्क कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट इस बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए. और फिर आपने ये बताना है कि इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है टू द आर्म्स ऑफ द एंगल. अब आर्म्स ऑफ एंगल क्या है, रे ओ ए एंड रे ओ बी, इससे पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये इक्वल होता है. ये आपने प्रूफ करना है कि यानी पी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी आर. डिस्टेंस आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेना होता है, ये हम कंस्ट्रक्शन से लेंगे. तो वी मार्क बाय कंस्ट्रक्शन, वी मार्क परपेंडिकुलर ऑन बोथ आर्म्स फ्रॉम पॉइंट पी टू ओ आर ओ ए एंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ओ बी. आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन से हम लेते हैं, ठीक है बेटा. तो उससे फिर आपने प्रूव ये करना है कि ये डिस्टेंस जो है नाउ पी आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू. अब ये आपको देखें, जैसे मैंने फिगर में सारी कंडीशन समझाई है, यही आप गिवन में अब रीड करेंगी, तो आपको चूँकि समझ आ गई है, आप इसमें दोबारा स्टेटमेंट में, अब हम इसको कैसे गिवन में लिखते हैं वो भी आप देखती जाएं. तो देखें बेटा, इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर फिगर, उसके बाद गिवन. गिवन में अब क्या है, ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, वेयर पी इज़ एनी पॉइंट ऑन ओ एम. सो ओ एम जो है, जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया है कि ओ एम बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी, ठीक है बेटा. एंगल के साथ एंगल का सिंबल लगाएंगे, सिंबल्स का बहुत ख्याल रखें. ओ एम जो है, चूँकि रे की फॉर्म में है, तो ये ओ से ए एम, ओ इज़ द एंड पॉइंट ऑफ दिस रे एंड एम इज़ द कंटिन्यूड पॉइंट. सो कंटिन्यूएशन की तरफ आप किसी एक पॉइंट को मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये एंड पॉइंट नहीं होता, तो इससे पहले मार्क किया जाता है, ठीक है ना. एरो से पहले आप किसी भी कंडीशन पे पॉइंट मार्क कर दें, तो ये ओ एम इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी एंड पी आर इज़ एंगल बाइसेक्टर है. नाउ टू प्रूफ क्या करना है, पी इज़ एनी पॉइंट ऑन इट ओ एम. अब टू प्रूफ आप देंगे हेडिंग टू प्रूफ की, एंड पी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स एंगल ए ओ बी. पी इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द आर्म्स, दैट इज़ पी आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू.
और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने आपको फिगर में बताया है कि आपने डिस्टेंस को हमेशा पॉइंट और जो सेगमेंट होती है या लाइन होती है इसका डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले पी आर विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, ये देखिए पी आर ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, या आपने वैसे पहले भी किसी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के वक्त भी आपको ड्राइंग में बताया गया होगा, और वैसे भी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। सो पी आर इज़ परपेंडिकुलर, इस तरह से सिंबल लगाती हैं परपेंडिकुलर का टू ओ ए। ओ ए आर्म है तो इसको रे में, रे की फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड पी क्यू, पी क्यू इज़ ऑल्सो अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इट इज़ ऑन ओ आर, ओ बी, तो ओ बी पे फिर आप रे का। तो बच्चे सिंबल का भी बहुत ख्याल रखें, इसके ऊपर जो जो सिंबल हैं वो आप उसी तरह अप्लाई करेंगी जैसे आपको फिगर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपने इसको राइटिंग में भी इसी तरह से लिखना होता है। तो ये आपके बेटा 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, विच इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ 260। तो वो अब हम आगे कर, मैं आपको आगे करवा रही हूँ, अब देखें आप उसको। देखें जी बीच, अब पेज 260 पर प्रूफ आपको मिलेगा, ठीक है, इसी थ्योरम का। वो उसी तरह से आपने दो कंडीशंस में इसको देखना है, दो इसके डिविजन्स हो जाती हैं इस वक्त इस थ्योरम में। अब दो डिविजन्स हैं, एक स्टेटमेंट है और एक प्रूफ है। तो आप स्टेटमेंट और प्रूफ के आगे, चूँकि फिगर बेटा बैक साइड पे चली गई है, फर्स्ट पेज पे थी, तो मैंने उसको यहाँ पर इसलिए ड्रॉ करती हूँ ताकि आप इसको प्रूफ के साथ साथ आसानी से इसको कंपेयर करें, और आप आसानी से प्रूफ आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से थ्रू फिगर समझ आ जाती है, ठीक है। वैसे फिगर उसी तरह आप एक दफ़ा ही ड्राइंग में लिख बनाएंगी और उसको सेकंड स्टेप पे बनाएंगी, मगर यहाँ पर मैं इसलिए ड्रॉ करती हूँ बेटा, जिन थ्योरम्स में फिगर नेक्स्ट पेज पे चली गई है या प्रीवियस पेज पे रह गई है, तो फिर मैं उस सूरत में आपको यहाँ पर ड्राॅइंग बना लेती हूँ ताकि आप आसानी से इस थ्योरम को आपको समझ आए, इसका प्रूफ समझ आ जाए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे कि आपको ड्राइंग में पता है एंगल बाइसेक्टर OM आपको गिवन है, एंगल आपका AOB है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिला है PR और PQ। तो इस सारी ड्राइंग को अगर आप देखें तो इससे ये जो है टू ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल भी हैं, क्योंकि इनमें राइट एंगल भी आपको परपेंडिकुलर भी है। तो हमने अब कंपेयर किस तरह से करना है, टू ट्राइंगल्स को पहले कंपेयर करेंगे, विच इज़ ट्राइंगल पी आर ओ। अब देखें जैसे आप लिखती हैं इसी कॉरस्पॉन्डेंट से पी आर ओ है, तो पी आर ओ विद पी क्यू ओ होना चाहिए, पी क्यू ओ। तो ये देखें बेटा, बुक मिस्टेक्स इसमें इस थ्योरम में ज़्यादा हैं, आप इसमें इसको काट के दोबारा लिखेंगी ट्राइंगल पी क्यू एंड ओ। पहले तो आप ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस ठीक करें, ट्राइंगल पी क्यू ओ, क्योंकि पी आर ओ है तो पी आर ओ अगर इधर है तो फिर इधर भी पहले डिस्टेंस को लेंगे परपेंडिकुलर को पी क्यू ओ, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस अब इस तरह से लेनी है, फिर इसमें भी एंगल क्या आ रहा है, विच इज़ गिवन, गिवन एंगल आपके पास है पी ओ आर, ये पी ओ आर बाइसेक्टर आपको गिवन है ना, तो ओ वर्टेक्स आपका दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है, तो इस वजह से पी आर, पी ओ आर है तो यहाँ पर होना चाहिए पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू, ओ वर्टिक्स को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसलिए ये दो इक्वल एंगल्स हैं, ये गिवन है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा है, दूसरा एंगल जो आपने इक्वल लिया है वो आपका ये परपेंडिकुलर, जिसे आप राइट एंगल भी कह रहे हैं, ठीक है बेटा। आप इसको देखते हैं तो राइट एंगल में देखें बेटा, आपके पास आ रहा है पी आर ओ और पी क्यू ओ, पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, दिस इज, दीज आर राइट एंगल्स, ये परपेंडिकुलर हैं, राइट एंगल के मार्क भी नज़र आ रहे हैं, सो दीज आर राइट एंगल। एंड द एंड पी ओ इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी ओ, दैट इज़ कॉमन, ये कॉमन साइड भी आपको नज़र आ रही है ना, ये कॉमन साइड, ये पी ओ दोनों ट्राइंगल्स में आपको मिलती है, कॉमन साइड है, सो थ्री एलिमेंट्स कॉन्ग्रेंट हैं, गिवन की वजह से, राइट एंगल की वजह से और कॉमन साइड की वजह से, सो थ्री एलिमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट। और चूंकि राइट एंगल भी इसमें है और पी ओ इस वक्त अगर आप देखें बेटा, तो ये कॉमन साइड होने के अलावा ये हाइपोटेन्यूस भी है, क्योंकि राइट के ऑपोजिट ये साइड आ रही है, दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो है ये पी ओ है, विच इज़ हाइपोटेन्यूस, सो
ट्राइंगल पी आर ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ क्यू, पी आर ओ जो है पी क्यू ओ के। इधर भी आप इसी तरह करेक्शन करें बेटा, इसको भी इसी तरह लिखें, ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू ओ। और ये पॉस्टुलेट इन्होंने एंगल एंगल साइड कहा है, तो ये एंगल एंगल साइड वाला पॉस्टुलेट नहीं है, इसके लिए ज़्यादा बेहतर है एंगल। वैसे तो बेटा ये एंगल और फिर एंगल और साइड है, मगर हम इसको चूँकि हाइपोटेन्यूस भी इसमें आ रहा है और राइट एंगल की बात भी कर रहे हैं, तो हम इसको एच एल लिखेंगे। दिस इज एच एस या एच एल इसको कहेंगे, इसको एच एस या एच एल कहेंगे, ठीक है। ये होता है, इसको आप हाइपोटेन्यूस साइड पॉस्टुलेट लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूस आपने दिया है एज ए रीज़न के दे आर कॉन्ग्रेंट इन दिस ट्राइंगल, सो दिस इज एच एस पॉस्टुलेट। और इसके बाद है बेटा लास्ट लाइन जो आपको लास्ट, देयर फोर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बिकॉज ऑफ एच एस, सो पी आर इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। इसके ऊपर भी आप बार लगाएं, पी आर इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। ये अब इन्होंने इन शॉर्ट अब इन बुक्स में आ गया है बेटा, ये कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के ये कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। आप ये भी लिख सकते हैं या उसी तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, इसको आप कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। ये इस तरह से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की कंडीशन है, लेकिन आप इसको इसकी अगर इन शॉर्ट ये लिख लें या आप इसको उसी तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, सो दैट मीन्स पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी। ये एंड में आपने प्रूव कर दिया बेटा कि इसका यही मतलब है कि जब डिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ दी फ्रॉम आर्म्स ऑफ दी एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपने वो कॉरिस्पॉन्डिंग वाली रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो आप उसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉरिस्पॉन्डिंग मैं आपके लिए लिख रही हूँ, लेकिन आप इनमें से एक कंडीशन लिखें या ये लेटर्स लिखें जो कैपिटल लेटर्स में, या कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट के लिए फिर आप सिंपल भी लगा सकती हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, दीज आर द कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो बस इन दोनों में से कोई एक जो आपको ईजी लगेगा वो आप लिख सकते हैं, और एंड में ये प्रूव हो गया कि कोई भी पॉइंट अगर हम बाइसेक्टर पर लेंगे एंगल बाइसेक्टर पे तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी आर्म्स। तो इस तरह से बेटा ये थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे और इसको प्रैक्टिस भी करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।